हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। हमारा हितेश भाई ना हमारे से डॉक्यूमेंट साइन करवाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे सुयश क्लोथिंग के, वो यहीं रख के छोड़ गया था, वो मिल नहीं रहे हैं। तो अभी सब लोग वही ढूंढ रहे हैं और इकलौती वो है जो मरा हुआ चूहा घर के अंदर ढूंढ रही है। इसको स्मेल आ रही है दो दिन से, हमें में से किसी को भी नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। मेरे को आई थी, जब भी मैं बैठी मेरे को स्मेल आ रही, तो मैं आती ही नहीं यार, पता नहीं तुम क्या ही हो। अभी उस चक्कर में सोफा इधर उधर करवा के चूहा ढूंढ रही है। अब मेरे को लग रहा है वहां ढूंढना पड़ेगा, तेरी नाक खराब है। और ये टहनी काहे के लिए रख रखी है साथ में? मेरे को यार 3-4 दिन से आ रही है स्मेल, समझो बात को यार। कोई ऐसे ऐसे कॉन्स्टेंटली आती जाएगी क्या यार? हमें तो किसी को नहीं आ रही। रुक जा, नहीं मेरे को तो खुशबू आ रही है। भाई इसकी नाक भी खराब हो गई है यार। सूरज मैं सच बता रही हूँ, घर में एक चूहिया थी, मुझे लग रहा है वो कहीं मर गई। बट उसकी स्मेल तो बहुत ज्यादा होती है यार, पता नहीं यार। ये देखो यार, कोई बात कोई वो ही नहीं है। मौसम आंटी सुनो मेरी बात, पीछे जो ये पेड़ रखे ना, इनको भी हटाओ, यहाँ से भी सफाई करो, है ना? और खुद बता, हटाने लग जाना कमर चटक जाएगी। गाइस यहाँ पर फिलहाल शायद से चल रही होगी एडिटिंग। देखे हमारे एडिटिंग वाले बंदे कैसे बैठे हैं। ओ ये अब फील आता है प्रॉपर स्टूडियो वाला। अब ऐसे फील आता है प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। हाँ भयंकर, मतलब पहले नहीं आता था। थोड़े दिन पता क्या करेंगे, अभी यहाँ पर ना एक पीसी और रख देंगे, वो मेरा होगा पर्सनल, वहाँ पे रखने के बाद उसमें क्या करेगा ऐसा पर्सनल, तो पर्सनल लॉक लगेगा सब लगेगा, सिम मैं खोल सकता हूँ उसको। क्यों, उसका क्या करेगा तू? भाई मेरे को वो नहीं मिलेगा कि पर्सनल पीसी मुझे भी तो चाहिए ना, जिससे सारी चीजें मेरे अंडर रहेगी ना, फिर उसमें सिर्फ तुझे और मुझे एक्सेस रहेगा उसका, बाकी किसी को नहीं देंगे एक्सेस उसका। उसी में अपना गेम भी खेलेंगे। गेम खेलने के लिए पर्सनल लोगे, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, एडिटिंग होती है। हम सोचो वो कौन खेले, उनको कितने दिन हो गए यार। हम पर्सनली जब खेले, पता है क्या सीन था, मुझे ऐसा लगा था कि एक अपन ने पीसी बिल्ड कर लिया, बहुत है यार, एक से तो सब काम हो जाएगा, इतना भयंकर बिल्ड कर लिया। लेकिन एडिटिंग में जो टाइम लगता है ना, एक एक घंटे के वीडियोस के अंदर, उसमें रेंडरिंग होना, उसके अंदर एनहेंसिंग होना, उसके अंदर मतलब पूरे 6-6 घंटे लग जाते हैं वीडियोस को। कभी कभी टाइम बहुत ले लेता है कभी कभार कुछ चीजों में अंदर, पहले कट लगाओ एक घंटे की रिकॉर्डिंग, धीरे धीरे और फास्ट होता जा रहा है। स्टार्टिंग में तो टाइम लगता ही ज्यादा, लेकिन हाँ अब कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे पूरे में एनहेंसिंग लगाते हैं ना वीडियोस के अंदर, तो एक घंटे की क्लिप को रेंडरिंग होने में और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। पीसी इसलिए तो लेंगे कि इसमें जैसे एडिटिंग करके एनहेंसिंग लगा के छोड़ दिया, फिर दूसरे पीसी पे गए उसमें दूसरा वीडियो एडिटिंग कर दिया, उसमें एनहेंसिंग करके छोड़ा, जब तक इधर कंप्लीट हो, तीसरा वीडियो कर लिया, उधर चौथा कर लिया, पांचवा छठा सातवां आठवां, दमादम 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 वीडियोस। और क्या भाई, एक महीने का बैकअप लेके चलेंगे। और क्या भाई, बिल्कुल यार, अभी तो हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जाके गेमिंग का तो लेके भी चलना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर टाइम बहुत लगता है, पहले से पहले सेट करते हुए। चलो चलो करो, तुम लोग एडिटिंग वगैरह करो, इसको करो। मजा तो इसमें आता है एडिटिंग वगैरह करने में ना, लगता है कि हमें कुछ कर रहे हो। कुछ दिन लगता है बस, उसके बाद नहीं लगता। उसके इस पे बैठे बैठे ना सब दुखता है ना भाई। गाइस तो ये है घर वाले, हमें मिल चुके हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। राधे राधे कहाँ घूमने जा रहे हो यार? बना लेते हैं कहीं का प्रोग्राम, और हम तो घर जा रहे थे, अभी घर पे कोई नहीं मिलता तो। अरे बेटा वो क्या हुआ, जिस दिन हम खाटू जाके आए ना, देखो हमारी बुद्धि काम नहीं करी, वो नारियल तो गाड़ी के अंदर ही रह गया था। कौन सा नारियल? जो चढ़ा के आते हैं, जिसके लिए जाते हैं बाबा के, हमेशा कीर्तन। उस टाइम पे बारिश आ रही थी तो जल्दी जल्दी में जा रहे हो क्या? अभी हम जा रहे थे बीच में, इधर आते हुए यूं दिख रहे हम जा रहे थे। अरे रॉकेट रॉकेट, ये रॉकेट है ना, ये पाइप है भाई, हम तो नहीं चलाते रॉकेट की जैसे, हम तो नॉर्मल चलाते हैं। हम बच्चे हो, वो रॉकेट है। घर जा रहे हो क्या? दिव्यांशी नहीं, हम जा रहे हैं घर। अब क्या करेंगे घर जाके? आप तो खाटू श्याम जी जा रहे हो, मेरे को ले चलो। चलो चल चलो, आ जा। ओके फिर ये कहाँ जाएंगे? कल जाइए, चलते जा, जाना है तू जा, है घर पे रुको, घर पे। और गोवा के आप जाओगे? सॉरी ये तो चले जाएंगे, चले जाएंगे। और दीदी आप अंकल को लेके जाते गोवा? नहीं, के लिए मैं इतना ही सह सकती हूँ। हम तो रेडी है चलने के लिए। रेडी हो? गोवा के लिए तो हमेशा रेडी। गोवा के लिए तो रेडी है अंकल एकदम। चलो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं फ्लैट में। जल्दी दोस्तों, मुझे ना यहाँ पर ऊपर एक कैमरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है एडिटिंग वगैरह का काम छोड़ के ये लोग गेम खेलते रहे 2-2 घंटे तक। पता क्या बोलते हैं यार, वो रेंडरिंग में ना 3 घंटे लग गए। सुनो अपन ऊपर है, कौन गेम खेल रहा था भाई? ले भाई अभी तू अभी आधे घंटे किसने गेम खेला? होता नहीं तो तेरे से कोई काम नहीं होगा, तो मैं करूंगा ना। हाँ कुछ भी नहीं, क्यों ऐसे थोड़ी ना होता, तेरे से हो गया क्या? घूम फिर के बैठ गया एडिटिंग पे, तो मैं ही पहुंचा बेटा। चोरी कर ले,
चलो यार नीचे चलते दोस्तों। गाइस इसकी तबीयत पता नहीं फिर से खराब हो गई है। अरे ये पता है क्या, इतने दिन से मौसम अलग था। मैं क्या बाहर, मैं अभी सूरज जब गई थी ना बाहर, धूप मेरे मुंह पे आ रही थी, तभी मैं समझ गई थी कुछ गड़बड़ तो सॉरी होगी तेरी, तो थोड़ी नाक में मिर्ची लग रही है, स्ट्रेस में है बहुत ज्यादा। और सर मैं डबल स्ट्रेस में हूँ। क्यों? क्योंकि दो महान लोग एक साथ जा रहे हैं इस बार। मैं बेसिकली अपने ही एक मैक्स वर्जन के साथ जा रही हूँ, अपने एक अपडेटेड वर्जन के साथ जा रही हूँ, बताती हूँ। नहीं वो तेरा वो है यार, क्या बोलते हैं उसको, छोटा वर्जन। यार तो ये छोटा वर्जन है तेरा, छोटा वर्जन। हाँ गाइस ये लोग जा रहे हैं दोनों घूमने के लिए गोवा। घूमने नहीं जा रहे, क्यों जा रहे हैं वो कल पता चलेगा आपको। हाँ। ठीक है मैं मिकुड़ी के साथ जा रही हूँ, सोचो पहली बार मिकुड़ी और ये दोनों जा रहे हैं, है ना। और अब एक चीज सुनो, मैं क्या इसके साथ जाती हूँ तो चलो कोई नहीं, मेरे को चीजों की टेंशन रहती है। एक तो मैं जा रही हूँ, पहले चीजों की टेंशन, ऊपर से एक और टेंशन मेरे साथ जा रही है। क्या है वो टेंशन? पिछले दो दिन में मैं दो बार फोन खो चुकी हूँ। कल पता है मैं ज्वेलरी वाली शॉप पे फोन खो गई। हाँ, भाई साहब दे रहे हैं हमको गाड़ी तक भागते भागते, हम तो आ गए थे। मिकुड़ी इसका फोन का तू ध्यान रखियो। यार मैं क्या पता है, मेरे से क्यों होता है, मेरे दिमाग में 10 चीजें चलती है, उसके चक्कर में मेरे को ये भी नहीं पता होता कि मेरे हाथ में क्या था क्या नहीं था। दादियों के लगाते ना फोन में, वो नेक बैंड लगाते थे, ये करते थे यार। अभी लेके आता हूँ यार, आपको जो फालतू जो जस्ट आपने मारा ना बहुत ही बुरा था यार। अब सच में आप दोनों जाए हो गोवा? यार तो आपको विश्वास ही नहीं है, नहीं अकेले गाड़ी क्यों तक तो गई नहीं। यार हम चले जाएंगे और हम फिर जाकर आ गए तो फिर क्या करोगे? नहीं जाके तो आओगे, फिर जाकर आओगे ना आपकी दौड़ बजेंगे फिर तो। ये कल कहीं गया हुआ था और फिर वो गर्दन पे ना बैठ, मैं कहाँ गया हुआ था कल? नीचे गया था मैं दोस्तों के साथ, दो दोस्त आए थे बॉयज, उनके साथ पता नहीं क्या करके आया छुपाने के लिए पैसे बॉयज। अरे भाई सही बात है, गर्दन पे आज पहली बार देखी। अरे खा लेके जा रहे हैं अंडे, ऊपर लेके जाना कुछ भी नहीं चाहिए। अरे भाई ले ले लो, खा लो। आप आपने बनवाई नहीं थी? क्या बनवाया? भेलपुरी। भेलपुरी इन्होंने नहीं बनवाई थी मौसम आंटी? ऊपर मत लेके जाओ, उनको नीचे भेज देंगे, वो गंदा कर देंगे ऊपर। तो अभी वो आ चुकी समस्या, लेकिन उसका समाधान है हमारा भाई भानु। दोस्तों फ्लाइट टिकट बुक करिए सुबह की 7 बजे की, 5 बजे एयरपोर्ट छोड़ के आना है। अरे कालू भी तो है, ये तो जगह ही रहता है। तुम किया देते नहीं चलाना तो मैं नहीं चलाता, मैं तो छोड़ दो। अरे किया तो किया, अरे हितेश जी की किया ले जाएंगे। मांगी कब? अरे मैं तो रुस गया। तूने मांगी कब? मैं पीछे बैठ जाता रिकॉर्ड कर देंगे तो मैं सुबह छोड़ दूंगा। तो मैं छोड़ देगा, छोड़ दूंगा। सुबह ले जाना, जान बचा लेते लोग कुछ यार। सुबह तक मैं कैसे, सुबह मैं कैसे उठूंगा 5 बजे भाई? यार भाई अभी नन्नू भी आ रहे हैं, मेरे को लेके जाएंगे। 20 रुपए कैब कर ले। सॉरी 20 रुपए में कौन सी कैब हो भाई? 20 रुपए इतने ही है मेरे पास। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मैं सुबह 5 बजे इसको छोड़ने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? कॉमेंट करके बताए। शर्त लगाते हैं पैसों के तो नहीं जाएगा वो, कितने कितने लगा रहे? अरे वो ही जाएंगे आप, जाएंगे जाएंगे वो सुबह जाएंगे। 10 बार जाएगा तो? हाँ। अब आप तो जाएगा, अब तो जाएगा, अब तो कितने? ओए ज्यादा धमकी मत दे यहाँ पे, 10 बार क्यों जाऊंगा? 10 बार क्यों जाऊंगा? नहीं पहले ही बता मैं क्यों जाऊंगा 10 बार, क्योंकि तुझे जाना ही पड़ेगा। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा? मैं ये कब कह रही हूँ कि मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। दीदी को तो मैं छोड़ आऊंगा, ये भी तो जा रही है। अच्छा जा तो मेरे को क्या है? अच्छा मुझे तो कैब से जाते नजर आ रहे हम दोनों। हेलो भैया सुन पे। अच्छा मिकुड़ी भी तो जा रही है ना? हाँ यार छोड़ के आ सकते हैं फिर तो, भाड़ में रह जाए ना। नहीं 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 ये सब बातें मत करो, तुम ही जाओगे छोड़ने, तू ही जाएगा छोड़ने। अरे मैं छोड़ आऊंगा, जिम जा रहा हूं आज, जिम की छुट्टी होगी इसकी। गाइस तुम्हारी पैकिंग हो गई क्या? सॉरी हाँ? पैकिंग हुई तुम्हारी? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोनों जा रही हो, तुम टेंशन फ्री बैठी हो, पैकिंग वैकिंग सब कर ली तुमने बहुत पहले टाइम से, वरना तो रोज रात को करती है। एक दिन आज पहले कुछ काम नहीं किया ना हमने, कल ही सब निपटा डाला कल, तभी तो कल 4 बजे सो रहे हैं अपन। यार मैं कल लड़ूंगा किससे? क्यों क्यों भाई, मशीन क्या भाई कोई लड़ने आ, तो ठीक है तो फोन कर लेना, लड़ लूंगी। तू क्या भाई पूरे फ्लैट में हितेश जी वो कालू सबसे छेड़खानी करती रहती है। अब मेरा कल दिन कैसे निकलेगा?
ये लबू दियारा फ्रेंड है तू नीचे गया ना, पता क्या बात थी बोलू, ये बोली थी तो क्या हो गया, आ जाएगा ना पागल सा, क्या बोली थी? मैं आपको नहीं बोली थी, आपको नहीं बोली थी। आप सुनो, आप जिम गए ना जब, पता क्या बोली, क्यों फोन कर रही है उस पागल को, ऐसा कुछ बोली थी, मुझे लगा किसी और को फोन कर रही है, पता है ऐसे बोल देती भैया भैया बोलने भूल जाती है, अरे कालू खाना खा ले, कालू अरे कल से बोलती है, अरे वो लंबू भानु का है, अब देख लो इसको, बस देख लो ज्यादा खुल रही है यार। गाइस मैंने मुझे लगा था क्या बोलती उस दिन, अरे वो लैपटॉप देकर इधर आना, लैपटॉप लेकर इधर आना, लैपटॉप लेकर इधर आ, हाँ लैपटॉप लेकर इधर आ, ये तो बदतमीज, अरे भाई मैंने लिखा ऐसा, हाँ, ऐसा रोज लिख के भेज दिया, करो लिख रहा था, वो करो क्या गलती से भाई, ऐसा नहीं होता, तू तो बोलती है, वो तो सुनो तो टेक्स्ट करा, तू तो जबान से बोलती है, अब बोल आपने भी मारा है, तो उन्होंने मारा, दीदी ने मारा, मारा है, नहीं मेरी, एक दिन सबको पीटूंगी, एक दिन सबको पीटेगी, एक दिन ये लंबी हो जाएगी तो सबको पीटेगी, अब वो दिन तो फिर आएगा ही नहीं पाएगा, मैं जा रही हूँ, मैं रुक गई, ठीक है जा रूस जा, और गोवा चली जा, सिर्फ तेरी वजह से आज सुनना पड़ रहा है, मैं रहा हूँ कल ये लोग जा रहे हैं गोवा, उनके पीठ पीछा अपन चोरी से कल चल लेते, तुम बड़ देखने यार, नहीं यार तुम बड़ देखने, मैं तुम बड़ देखने चले गए, अगर हितेश तुम्हारा तुम बड़ बना दूंगा, अगर हितेश ने एक बार में नाम सही ले दिया तो हम चले जाएंगे, सॉरी है फिर तो, तुम बड़, हां वो बता करो, वो तुम बड़ देखने कब जा रहे हो, तुम बड़ तुम बड़ तुम बड़ तुम बड़ तुम बड़ देखने कब जा रहे हो, तो गरम कर चले गए तुम्हारे बिना देखने, तो दोबारा लेके जाएंगे, तो दोबारा चले जाएंगे, हमारे कैमरे से कुछ भी करो, हमें देख लेगा दोबारा, तुम्हारे साथ हम थोड़ी नहीं जाएंगे फिर, हां तो जाएगा तो फिर भाई, मैं तुम्हें कब लेके जा रहा हूं कल, तू नहीं लेके जा रहा, बोल रहा हम चले जाए, तो जाओ तो, ठीक है भाई तो जा, तो देख देख देख, मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगा, बस इसको अकेले गोवा भेज दूंगा, नहीं अब तो दुकेले भेज रहा हूं, चल तो मैं बोल रहा हूं सुबह गेट कौन खोलेगा, वो आएंगे, कौन आएंगे, झाड़ू पोछे मौसम आंटी खाने वाले भैया, इनका नंबर दे दियो, किनका, अरे साइलेंसर टाइप की सोइयो भाई, इनका दियो मेरा पे मत दियो, मैं जाओ मत, मैं शॉर्ट कर देता हूं, जो सुबह एयरपोर्ट छोड़ने जाएगा वो नहीं करेगा, हां ठीक है, मैं छोड़ने जाऊंगा, ठीक है, हां फिर ठीक है, और जो अगर नहीं उठा दूसरा बंदा तो भाई संडी दया लाते दियो, तो एयरपोर्ट में छोड़ूंगा, पूछा करूंगा, क्यों एयरपोर्ट में छोड़ के आऊंगा, मैंने पहले ही बोल दी थी सुबह तक जाऊंगा मैं इसके लिए, सुबह तक का मामला सेट कर लिया उसने, बोला गेम खेलूंगा सुबह तक, फिर जब ये जाएगी तब छोड़ दूंगा एयरपोर्ट, यार तुम क्या करोगे गोवा में जाके, भाई तो सुन मेरी बात, वो तो इवेंट इवेंट जहाँ भी जाएगी तू भाई इधर उधर मत हो जाइए, बीच बीच पे चली जा घूमने के, मैं तो अकेले जा रही हूँ सैंडल लेके चलने, होटल ही बहुत शानदार है, होटल में घूमे मन करे तो घूम लियो, ब्लॉग जरूर बनाना दोनों, दोनों देखना चाहता हूँ करने क्या, दोनों ब्लॉग बनाना भाई, कल दोनों मिक्स ब्लॉग आएगा, कल का तो दोनों ब्लॉग बनाना, कल भाई एयरपोर्ट पे क्या होने वाला है, इन दोनों को मैं देखना चाहता हूँ, एयरपोर्ट पे क्या है, एयरपोर्ट से पूरा बनाना, पूरी ब्लॉगिंग करना भाई, मेरे को तो नींद आई, मैं तो सोती हूँ तुझे पता है, हाँ तो तुम ही कुछ इसके सोते होगा ब्लॉग बने, बड़े मुझे तो पता ही, ये तो मुंह खोल के सोएगी और ये ब्लॉग बना लेगी, पेरिस के अलावा तू कहाँ जा रहा है, वो अभी नहीं बताया, वो मैं वही ट्रिप पे बताऊंगा, उस बात से इतना खुश हो गया सुबह जब इसको पता चला कि पेरिस के अलावा मुझे मुझे, मुझे पता ही नहीं था मैं 27 कंट्रीज घूम सकता हूँ, अभी 27 नहीं जा रहा लेकिन एक और जाऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, बाद में बताओ, उसकी प्लानिंग चल रही है सुबह से, दोस्तों अभी तो गए भी नहीं, इनकी लिप बाम खो गई है, सुबह के बज रहे हैं 4:30, ये सब सोकर उठ चुके हैं, तुम्हें नींद आई भी है, सोए थोड़ी देर, थोड़ी सी देर मैं देख ले, जगा हुआ था, मैंने बोला था ना मैं नहीं सोऊंगा, मतलब नहीं सोऊंगा गाइस, मैंने बोला था ना ये छोड़ने जाएंगे, मतलब जाएंगे, यस चलो तुम्हें लेकर चलूं, लेट्स गो गाइस, चलो बच्चों तुम्हारा बैग ले लेता हूं मैं, इस टाइम मेरे ये दिक्कत होती है, मेरा सर घूमता है बहुत ज्यादा, चलो अभी तो लेट हो रहे हैं लेकिन मॉर्निंग फ्लाइट पसंद नहीं है, दोस्तों आ चुके हैं हम एयरपोर्ट, ये लो आराम से जाना, ठीक है ओके ओके बाय बाय, ध्यान से जाना और कॉल कर देना जैसे पहुंचो, ठीक है ओके बाय 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 बाय, लाइन में लग गई हैं दोनों, भीड़ बहुत ज़्यादा है और फिलहाल अपन चलते हैं घर पे, और दोस्तों ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा था लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।